हाँ तो गए गाड़ी में, अब पता नहीं चल रहा है कि पार्किंग में कहाँ लगानी है। डायरेक्शन बताने वाला भी ढंग से नहीं बता रहा है, गाड़ी चलाने वाले को भी पता नहीं है। देहरादून जिसकी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे बनी को परेशान कर रखा है बस। गर्मी इधर इधर ये डायरेक्शन बताने वाली है गूगल है। तो हम लोगों को पूछ के पता चल रहा है कि कहाँ है रास्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पे देखो ऋषिकेश में मज़े कर रहे हैं। आज हम लोग अभी आए हैं ऋषिकेश के फेमस त्रिवेणी घाट में। ये घाट ऋषिकेश का सबसे ज़्यादा फेमस घाट है। तो आप मेरे पीछे गंगा मैया जी को देख सकते हैं। तो अभी चलो आपको गंगा जी के दर्शन करवाते हैं और यहाँ जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं या जो भी देखने लायक है वो दिखाते हैं आपको। तो मैं साड़ी लेने आई हूँ एक्चुअली यहाँ पे, तो सोचा कि थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं और आप लोगों को भी घुमा लेते हैं ऋषिकेश, ताकि फ्यूचर अगर आपको आना होगा या आप पहले यहाँ आ चुके हैं तो आपकी यादों को ताज़ा कर दें, अगर आगे आना है तो आपको थोड़ा बता दें कि ऐसा ऋषिकेश दिखता है। वैसे आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए घूमने के लिए। तो चलो देखते हैं। ये त्रिवेणी घाट का मेन गेट है। जब हम त्रिवेणी घाट की मेन गली में एंटर करते हैं तब ये गेट आता है। हम लोग दूसरी तरफ से आए क्योंकि हमने गाड़ी को पार्क किया उस तरफ। इस तरफ भी देखो, वहाँ बहुत ही सुंदर व्यू है हर तरफ। यहाँ तो ये है हमारी प्यारी गंगा मैया जी। यहाँ पे बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं ना, ऐसे तो सभी लोगों को पता है। भारत में तो सबको पता ही है, भारत से बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। बनी के पापा भी आने वाले हैं, अभी वो गाड़ी को पार्किंग पे लगाने के लिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं है, प्रांजल और बनी है। हाय करो बनी। बनी हाय हाय। गंगा मैया की संध्या आरती का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई है। जो भी आते हैं लोग इधर उधर से या घूमने वाले टूरिस्ट जो रहते हैं, वो सब लोग इस टाइम इकट्ठा हो जाते हैं आरती के लिए। तो मैंने सोचा कि हम लोग भी यहाँ से आरती करके ही जाते हैं, जो भी सामान लेना है उसके बाद ले लेंगे। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, मनवांछित फल पाता। तो आरती खत्म हो गई है और अभी हम लोग फटाफट से जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे साड़ी लेनी है बनी के मुंडन के लिए और मार्केट भी पता नहीं जल्दी बंद हो जाएगी शायद, तो इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो मुझे चाहिए थी येलो साड़ी। यहाँ पे ट्रेडिशन है कि मुंडन में या हल्दी में येलो कलर की ही साड़ी पहनते हैं क्योंकि उसको शुभ माना जाता है। और एक दो शॉप्स में ट्राई करने के बाद फिर लास्ट में मुझे यहाँ पे तो साड़ी नहीं मिली थी, लेकिन दूसरी जगह पे साड़ी मिल गई थी। तो
तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया त्रिवेणी घाट, जो कि ऋषिकेश का सबसे फेमस घाट है, और थोड़ी सी मार्केट घूमी हमने ऋषिकेश मार्केट, और की हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो अब अंधेरा हो गया तो घर निकलते हैं, जल्दी से घर चलते हैं, और फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय 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 बाय।